नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के बाद पेट पर स्ट्रेस मार्क्स आना तो आम है, अगर इसके अलावा वजन घटना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी या अन्य कारणों से स्तनों, जांघों, कूल्हों, पीठ के निचले हिस्सों और नितंबों पर भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, लेकिन जिन्हें हटाने के लिए महिलाएं कई अलग अलग ट्रीटमेंट्स की मदद लेती हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। दरअसल इलाज तभी कारगर है जब आपको उसका सही कारण पता हो। दरअसल स्ट्रेच मार्क्स दो तरह के होते हैं, लाल और सफ़ेद। ऐसे में इलाज तभी कारगर होगा जब आप सही कारण जानकर इसका इलाज कराएंगे। जब त्वचा सीमित लोच से अधिक फैलती है तो डर्मिस परत पर ऊतक टूट जाते हैं और नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। नतीजतन प्रभावित क्षेत्र पर लाल या लाल बैंगनी रंग के स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं, जिसका इलाज होने की अधिक संभावना है। सफ़ेद स्ट्रेच मार्क्स तब होते हैं जब संकुचित रक्त वाहिकाएँ नीचे के वसा ऊतक में जमा हो जाती हैं, जिन्हें स्ट्राई एल्बा भी कहते हैं। जब स्ट्रेच मार्क्स को शरीर पर बने हुए लंबा वक्त हो जाता है तो ये सफ़ेद या सिल्वर रंग में बदल जाते हैं। ऐसे में टॉपिकल क्रीम से इनका इलाज संभव नहीं। इन्हें एक्सिमर लेज, फ्रैक्शनल नॉन एब्लेटिक लेज़र, स्पंदित डाई लेज़र या सर्जिकल एब्डोमिनोप्लास्टी से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। और अब जानते हैं कि रेड स्ट्रेच मार्क्स के इलाज कैसे करें। प्रोटीन कोलेजन के निर्माण से विटामिन सी अहम भूमिका निभाता है, ऐसे में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें ज़्यादा खाएं। इसके अलावा विटामिन सी क्रीम या तेलों का इस्तेमाल करके भी आप रेड या लाल स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकते हैं। वहीं नींबू के रस को प्रभावित एरिया पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर मसाज करें। नियमित ऐसा करने से भी आपको लाल स्ट्रेच मार्क्स कम होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।